कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस आइडिया जिससे हो सकती है अच्छी खासी कमाई। जो लोग किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए या पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, ऐसे लोग अक्सर ये सोचकर मायूस हो जाते हैं कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है जिससे वो कहीं जॉब कर ही नहीं सकते। अच्छे बिजनेस के लिए भी पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। ऐसे लोगों को आज मैं यही कहूंगी कि आपका टैलेंट, आपकी हिम्मत ही आपको सबसे आगे खड़ा कर सकती है, दौड़ में सबसे आगे विजय दिला सकती है। उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने अंदर की कला को, इंटरेस्ट को पहचानें। आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही बिजनेस आइडियाज जो कम पढ़े लिखे या यूं कहें जिन्होंने किताबी विद्या नहीं ली वो लोग आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन में एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 बिजनेस आइडियाज जो आप कर सकते हैं। पीने के पानी की सप्लाई। आज पीने के पानी की समस्या आम सी हो गई है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं उनके सामने स्वच्छ पानी का संकट गहरा रहा है। शहर, कस्बा, गांव, हर जगह स्वच्छ पानी मिलना अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे में यदि आप अपने लिए कोई बेहतरीन आइडिया ढूंढ रहे हैं तो स्वच्छ पानी सप्लाई एक जादुई आइडिया हो सकता है। आप लोगों को आरओ या मिनरल वाटर जैसी सुविधा दे सकते हैं। पानी का व्यापार कैसे शुरू करें, हर बारीक से बारीक जानकारी आप हमारे बनाए गए वीडियोस में देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टूर एंड ट्रेवल्स। ट्रेवल करना हम सबको पसंद है। साल में एक या दो बार तो हर परिवार अपने बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं घूमने जाता ही है। ऐसे में यदि कोई अपने शहर या राज्य से दूर जाना चाहे तो उसके मन में अनेक सवाल उठते हैं, जैसे यात्रा सुरक्षित रहेगी, कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और सबसे आवश्यक बात, कितना खर्च आएगा। ऐसे में यदि आप अपने लिए कोई ऐसा व्यापार ढूंढ रहे हैं जो इंटरेस्टिंग हो, कमाई वाला हो और सबसे जरूरी जिसका भविष्य उज्जवल हो, तो आप ट्रेवल एंड ट्रिप के नाम से कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को हॉलीडे पैकेज बनाकर दें या उनकी ट्रिप डिजाइन कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल का व्यापार कैसे शुरू करें, हर बारीक से बारीक जानकारी आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा लेंगे। डेयरी फार्मिंग। यदि आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई परिस्थिति हो, आपके व्यापार की रफ्तार मध्यम ना पड़े, तो आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी मेहनत तो खूब लगेगी, आपका पसीना भी लगेगा, लेकिन आप इसी मेहनत और पसीने से हजारों और लाखों में कमाई भी कर सकते हैं। डेयरी सेक्टर में करें बिजनेस, सरकार भी कर रही है मदद। डेयरी फार्मिंग का व्यापार कैसे शुरू करें, हर बारीक से बारीक जानकारी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। रेडीमेड गारमेंट शॉप। मार्केट में आज रेडीमेड गारमेंट्स की भरमार है। हर कोई डिजाइनर कपड़े पहनना चाहता है, लेकिन बजट में, खासकर छोटे शहर, कस्बे और गांव में लोग अपने बजट में भी कम दाम में रेडीमेड कपड़े लेना पसंद करते हैं। उनकी पहली कोशिश यही होती है कि बेहद अच्छा दिखने वाला कपड़ा उन्हें मिल जाए जिससे समारोह में वो अलग दिखे। दूसरी कोशिश होती है कि उन्हें जो पसंद आया है उनके बजट में हो। ऐसे में यदि आप अपने लिए बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि सालाना अच्छा कमाने लगे, धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाने लगे, तो रेडीमेड बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। रेडीमेड गारमेंट से जुड़ी हर बारीकी इस वीडियो में दे रखी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टूलेट सर्विस। टूलेट सर्विस एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी भी प्रकार की जमीन, मकान, दुकान या फिर फ्लैट किसी ब्रोकर द्वारा खरीदा या बेचा जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय को अक्सर लोग टूलेट सर्विस के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, यदि आप टूलेट सर्विस का काम शुरू करते हैं तो हर काम में 4% तक का कमीशन पाकर मुनाफा कमा सकते हैं। यानी आपको सिर्फ अपना समय लगाना है, अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढनी है, उस प्रॉपर्टी के लिए ग्राहक ढूंढना है, जब डील पक्की हो जाए तो अपना कमीशन ले लेना है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने किसी भी प्रकार के फ्लैट, दुकान या फिर जमीन को बेचने या खरीदने में किसी व्यक्ति की सहायता की है, तो ऐसे में जो व्यक्ति फ्लैट खरीदेगा वो 2% और जो व्यक्ति फ्लैट बेचेगा वो व्यक्ति 2% का कमीशन आपको देगा। जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में माहिर और अनुभवी होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको कमीशन भी अधिक मात्रा में प्रदान किए जाने की संभावना बढ़ने लगेगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।